ऐसा फिल्म प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। मल्टीप्लेक्स प्ले जो यहाँ पे आज लॉन्च हुआ है, जो ओपन हुआ है, बहुत खुशी की बात यह है कि आज मेरे ख्याल से बहुत सारे कितने प्रोड्यूसर जिंदा हो जाएंगे इसमें। थिएटर की जो हालत है, जिस तरह से थिएटर के साथ बिहेव हुआ है आज के 5 साल 4 साल पहले, जो मैं एक एक थिएटर की बात करूं तो बहुत टाइम हो जाएगा। एक संक्षेप में बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ें आज शुरू हुआ है, ये शायद हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आए। कहने के तो बड़ी बड़ी कंपनियां सब बैठी हैं, सिर्फ बोलते हैं, काम नहीं करते हैं। जिस तरह से छोटे प्रोड्यूसर के साथ में बिहेव हुआ है या जो आज भी हो रहा है, उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत खुशी की बात है। और मैं शुभकामना भी देना चाहूँगा, हमारे रेहान भाई हैं, अमोल द्विवेदी जी हैं, जो इसमें पूरी तरह से रुचि दिखाए हैं और पूरी तरह से लगे हुए हैं। हम लोग आज 8-10 दिन से लगातार बात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, आज शायद बहुत खुशी हुई इस चीज़ को देख के। सर, आपका परिचय दें और बताएं। मैं अवनीश तिवारी हूँ और आप सबको तो साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। साथ में बड़े भैया अरुण तिवारी जी, प्रोड्यूसर सुभाष तिवारी जी बैठे हैं। और ये मल्टीप्लेक्स प्ले जो है, मैं गायक हूँ, आस्था चैनल पे भजन गाता हूँ, फिल्में भी करता हूँ आप लोग, तो सबसे बड़ी ये अच्छा ये लग रहा है कि जो आज ये उद्घाटन हुआ है, इसमें आप सब इकट्ठा, हम सब इकट्ठा हैं। अमूल द्विवेदी जी और उनकी पूरी टीम को, रेहान भाई को हम लोग शुभकामना देते हैं कि प्लेटफॉर्म खूब फले फूले बढ़े, हम गायकों को, कलाकारों को मौका मिले, रिलीज करें। इसी के साथ आप सबको साधुवाद धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये चैनल खूब बढ़े, खूब चले। सर, आपका परिचय दें और। नमस्कार, मेरा नाम सुभाष तिवारी है, मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर हूँ। और मेरी दो कंपनियाँ हैं, एक पनाश फिल्म्स है और एक काशी फिल्म एकेडमी है। तो पनाश फिल्म से अभी मैंने दो फिल्म बनाई है, दोनों भोजपुरी फिल्म है। और रेहान भाई ने और अमूल द्विवेदी जी ने जो काम स्टार्ट किया है, ये एक्चुअल में एक क्रांति है, समझिए। तो उसका रीजन क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ये मल्टीप्लेक्स प्ले जो है, ये भोजपुरी फिल्मों के लिए, भोजपुरी कलाकारों के लिए, भोजपुरी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के लिए एक मतलब वरदान होगा सर। हाँ, वरदान जैसा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी OTT प्लेटफॉर्म भोजपुरी के लिए अवेलेबल नहीं था, ठीक है ना। तो ये एक वरदान जैसा साबित हो जाएगा। और जो अच्छे मेकर हैं, जो फिल्में अच्छी बनाते हैं, जो समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं, तो वो उस तरह की फिल्में, कहने का मतलब क्या है कि आजकल एक भिड़िया धसान बोलते हैं ना, कि तो एक चाल चल गई कि भाई बड़े एक्टर रहेंगे तभी आपकी फिल्म बिकेगी, तभी आपको 2 पैसे का फायदा होगा, ऐसा इस तरह की चीज़ जो है। तो अभी क्या है कि ये OTT प्लेटफॉर्म आने से कंटेंट की जो फिल्में हैं, जो फिल्में अच्छी बनी हुई हैं, कहानी अच्छी है, गाने अच्छे हैं, मेकिंग अच्छी है, लेकिन उसमें कोई स्टार नहीं है, तो ऐसे लोगों, ऐसे प्रोड्यूसर्स के लिए ये एक वरदान साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि रेहान जी का कहना है कि ये सिर्फ भोजपुरी नहीं, 15 भाषाओं में जी OTT प्लेटफॉर्म है सर, तो ऑन द टॉप इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल होता है। तो इंटरनेशनल होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि भले हम भोजपुरी फिल्म बना लें, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पे अगर जाएगी तो ये फिल्म ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंटरनेशनली इस फिल्म को लोग देख सकेंगे, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में देख सकेंगे, डब करके, दूसरी भाषा है कोई भी, बाहर की भाषाएं हैं, हिंदी है या हमारे देश की जो भाषाएं हैं, वहां पे इसको डब करके अगर दिखाएंगे, क्योंकि फिल्में तो अच्छी बुरी बनती रहती हैं, लेकिन फिल्म को मास तक पहुंचाने में ये OTT प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा योगदान निभाएगा अपना। इसका रेवेन्यू कैसा होगा, रेवेन्यू मॉडल क्या है? देखिए सर, आउटराइट देंगे या रेवेन्यू शेयरिंग होगा? देखिए सर, ये तो निगोशिएशन के ऊपर बात होती है कि मतलब कैसे क्या होता है, ये तो कमर्शियल बातें हैं, तो कमर्शियल बातें हैं तो एक बार सामने बैठ करके बात करने के बाद में क्या निगोशिएट होता है वो उसके ऊपर चीज़ें क्या होता है। देखिए, जो छोटे प्रोड्यूसर होते हैं, एक लिमिटेड उनका बजट है, तो उनके लिए बेहतर होता है कि वन टाइम में सोल्ड आउट करके निकल जाते हैं और निकलते हैं, फिर अपना दूसरे फिल्म का तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि वन टाइम जो भी करना है करके ख़त्म किया जाए, ज़्यादा बेहतर होता है। होल्ड करने की ताकत है अगर, हम होल्ड कर सकते हैं या फिर हम परसेंटेज पे ला, जैसे भी होता है इनका सिस्टम, उसमें तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग आएंगे
और ज्यादातर यही है कि ऑन टाइम सोल्ड आउट आउटराइट करके निकल जाएंगे, वो छोटे जो प्रोड्यूसर है आउटराइट ही बेच के निकल जाएंगे आगे का काम करने के लिए, क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने रास्ता दिखाया सब वही दिखाया कि एक बार आओ और इसके बाद जाओ, कभी मत आओ, दोबारा मत आओ, दूसरा प्रोजेक्ट लेकर के। हाँ वही होता है इनका अक्रॉस द टेबल सर, ये कमर्शियल और प्रोफेशनल ओवरऑल देखा जाएगा तो बहुत बेहतर, नहीं बहुत बेहतर है। आप लोगों का और कोई प्रश्न हो तो बताइए, तो हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे, कोई भी अगर प्रश्न हो जो कि आप लोग चाहते हैं कि मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे रेहान सर, मल्टीप्लेक्स प्ले आज आपने लॉन्चिंग रखा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों का जो है ना हाथ जोड़ के नमस्कार करूँगा कि आप लोग आए। मल्टीप्लेक्स प्ले जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर छोटे बड़े प्रोड्यूसर को जो है ना, जो प्रोड्यूसर मतलब मार्केट में काफ़ी तकलीफ का सामना करते हैं फिल्म बनाने के बाद में, कहीं भटकते हैं, अच्छी फिल्म है उनकी तो हमारी मल्टीप्लेक्स उनकी जो है कंटेंट को आउटराइट में हमारी कंपनी खरीदती है। और मल्टीप्लेक्स जो है ना एक लो कॉस्ट में अपनी कंटेंट को जो है ना यूजर को जो है उनको जो है दिखाने का काम करती है सर। और क्या क्या है इसमें मल्टीप्लेक्स का, मतलब पूरा मीनिंग्स बताइए लोगों को। मल्टीप्लेक्स का मीनिंग ये है कि सर जो भी हम लोग जो इस पर कंटेंट रिलीज कर रहे हैं वो अनरिलीज कंटेंट है, जैसे हिंदी भोजपुरी या वेब सीरीज जो भी फिल्म अगर हम लोग कर रहे हैं तो मल्टीप्लेक्स इसका नाम इसीलिए रखा गया कि वो कंटेंट जो हमारे मल्टीप्लेक्स पे आएगा वो आपको अदर जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप मल्टीप्लेक्स का मतलब ये भी हो गया कि सर आप इसको बड़े स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक आप इसको एक्सेस करके प्रोजेक्टर पे भी देख सकते हैं, थिएटर में भी अगर आप इसको एक्सेस करना चाहें आप थिएटर में भी एक्सेस करके आप देख सकते हैं, टीवी में भी एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं पे भी देख सकते हैं सर। इन 15 भाषाओं में मैंने सुना है कि इसमें 15 भाषा है और अलग अलग विशेष करके भोजपुरी को हम लोग 50% प्रायोरिटी दे रहे हैं सर। और यहाँ पे जितने भोजपुरी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर आए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर उनका तो मैं धन्यवाद करूँगा कि वो आए। और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे लोगों से? दर्शकों को यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी फिल्म उनको देखना है सर मल्टीप्लेक्स पे देखें, एक लो कॉस्ट पे विदाउट एड, बिना किसी एड का, और स्मूथली प्ले होगा एक अच्छी क्वालिटी में, उन्हें पायरेसी की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 से 10 रुपया उनको पेड करके देखना पड़ेगा सर। और जो भी छोटे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं मल्टीप्लेक्स प्ले से, तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए सर मैसेज तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं फिलहाल एक ही चीज़ कहूँगा कि उन्हें जो कंटेंट बना के जो है भटकना पड़ता है, अगर किसी ने अगर 15 लाख में या 50 लाख में किसी ने फिल्म अच्छी फिल्म बनाई है तो मार्केट में जाने के बाद में उसका रेट लोग लगाते हैं 20 लाख 25 लाख, ऐसे मतलब जो है काफ़ी उनकी प्रोड्यूसर की कमर टूट जाती है, तो उसके लिए हमारा मल्टीप्लेक्स खड़ा है सर जो उन्हें प्लस करके देगी अच्छी कंटेंट हो तो। सर क्या क्या राइट खरीद रहे हैं? परपेचुअल राइट है हमारा, थिएटर रिलीज का भी परपेचुअल वही थिएटर में ही आ जाता है, थिएटर राइट आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ऑल परपेचुअल राइट आउट राइट कंटेंट। जैसे कभी कोई प्रोड्यूसर चाहता है कि थिएटर राइट खुद अपने पास रखे, थिएटर रिलीज के बाकी राइट आपको दे, नहीं वो राइट हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, इस उसके पीछे रीजन है मल्टीप्लेक्स का कि अगर हमारे पास वो चीज़ अगर कहीं और वायरल हो जाती है थिएटर में ऑडियंस देख लेगा तो हमारे पास मल्टीप्लेक्स पे क्यों देखेगा। बिल्कुल सही, एक स्टैंडर्ड एक मल्टीप्लेक्स का मेंटेन किया गया है कि आपको अगर देखना है फिल्म को तो आप मल्टीप्लेक्स पे देखिए, और थिएटर पे रिलीज होने के बाद में फिर कोई नहीं देखता सर। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। सर प्रथम सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार, मीडिया को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आज पधारे हुए हैं, हमारे मल्टीप्लेक्स चैनल जो NKFC प्राइवेट लिमिटेड के प्रेजेंट कर रहा है उसमें हम सोच रहे हैं कि जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री खास तौर से, वैसे तो हम 15 भाषाओं को लेके चल रहे हैं लेकिन जो एक भोजपुरी आज हमारी एक हर तरीके से डाउन होती जा रही है, क्यों प्रोड्यूसर बना रहे हैं 50 लाख की 60 लाख की 1 करोड़ की 2 करोड़ की लेकिन उनको अमाउंट कितना मिलता है सैटेलाइट चैनलों के थ्रू, जैसे 1 करोड़ की फिल्म बनी हुई है तो उसको 85 मिल गया, 90 मिल गया, 70 मिल गया, बाकी पैसा प्रोड्यूसर कहाँ से लाता था? नहीं मिलता था। तो इसीलिए हम लोगों ने पहल की कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म डाला जाए जो सारी फिल्म अच्छी फिल्म अच्छी मेकिंग, अगर डायरेक्टर उसमें अच्छी मेहनत करता है, प्रोड्यूसर अच्छे मेकिंग करा रहा है
और मुझे लग रहा है ये पिक्चर मार्केट में चलने लायक है। स्टार कोई भी हो, इससे मतलब नहीं होता स्टार कौन है। अगर वो एक्टर अच्छा है, अच्छी मेकिंग की हुई है, कैनवास अच्छा है, उसमें लग रहा है कि आपने 50 लाख लगाए, 50 को 40 की अगर मेकिंग दिख रही है तो मैं आपके 50 की जगह 55-60 देने को तैयार। इसीलिए प्लेटफार्म डाला हुआ है। अभी तक सैटेलाइट चैनल थे लेकिन आउटरेट का कोई प्लेटफार्म नहीं था। जो छोटे प्रोड्यूसर हमारे इंडस्ट्री में भोजपुरी, खास तौर से भोजपुरी, इसमें जो छोटे प्रोड्यूसर आते थे बेचारे, वो कहीं से ब्याज पे लेके आ रहे हैं कि कर्जा ले कह रहा है, किस तरीके से जमीन बेच के ला रहे, बर्बाद हो रहे थे, दोबारा खड़े नहीं हो पा, एक फिल्म बनाने के बाद दोबारा नहीं खड़े हो पा रहे थे। तो उन्होंने फिल्म बनाई, 50 लाख खर्चा किया, उनको सैटेलाइट से 25 लाख मिल गया, 30 लाख में बाकी, वो 20 लाख का जो लॉस है वो कहाँ से पूरा था, थिएटर से जीरो था, कहीं से कुछ आ नहीं रहा था। हम लोगों की मेन पहल यही है कि इस चैनल के थ्रू यूज के आपकी जो पिक्चर हमने खरीदी अब चैनल पे जाएगी और जितने भी दर्शक हैं सबके पास, सबके मोबाइल में वो चीज़ पहुँचेगी। मेन खास चीज़ इसका ये है कि जो हमारा चैनल है इसमें एक सिस्टम डाला हुआ है कि आप चैनल का अगर हमारा लॉगिन करते हैं, आपके इंस्टॉल है, तो उस पर आप टीवी से कनेक्ट करके उसको देख सकते हैं। जिस तरीके से आप एक थिएटर में देखने जा रहे हैं, अपने टीवी पे आप देखिए। ये पहला सिस्टम इस मल्टीप्लेक्स फिल्म में डाला हुआ है। तो हमारा यही चाहेगा जितने छोटे प्रोड्यूसर हैं, बड़े प्रोड्यूसर हैं, सभी लोग को साल रहें और हमारे चैनल को टैप करें और आगे बढ़ते रहें। सर बात करें, जैसे कि भोजपुरी की भी बात हो रही है, तो भोजपुरी सिनेमा सिर्फ थिएटर और यूट्यूब तक सीमित था जी। और अभी जैसे आप और भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म छोटा है ओवरसीज का, जबकि बॉलीवुड फिल्में या और भी अदर लैंग्वेज फिल्में ओवरसीज में इंडिया के बाहर भी रिलीज होती हैं, तो ऐसा कुछ आपका प्लान है ओवरसीज में भोजपुरी इंडस्ट्री की? सर हमारी मल्टीप्लेक्स जो है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है सर, जो मल्टीप्लेक्स प्लेटफॉर्म है। अभी फ़िलहाल हमारी कंपनी जो 15 डेज के ट्रायल पे सिर्फ इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है, आफ्टर मतलब 1 मंथ के बाद जो है ये इंटरनेशनल टेलीकास्ट करेगी। तो हमारा जो भी कंटेंट है ये ओवरसीज भी, हमारी जो है ओवरसीज के जो ऑडियंस है, जो हमारे जो मराठी हैं, गुजराती हैं, भोजपुरी ऑडियंस है, जो भी हमारे रीजनल इंडियन पब्लिक हैं जो बाहर में फॉरेन में रह रहे हैं, तो वहाँ से भी एक्सेस करके वो देख सकते हैं। ये जो 15 लैंग्वेज जो 15 भाषा है, तमिल तेलुगु जो भी है, ये हमारे बाहर के ऑडियंस भी देख सकते हैं सर वहाँ पर। लोग कह सकते हैं भोजपुरी के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप जो क्षेत्र खोल रहे हैं कि भाई उनके ज़्यादा बिजनेस होगा भोजपुरी फिल्मों को भी? बिल्कुल 100% होगा सर, उनकी अगर मेकिंग अच्छी रही, सारी चीज़ अगर टीम अच्छा है, उन्होंने मेहनत किया, अच्छा चीज़ बनाया है, तो 100% अच्छा होगा सर उनका। फिल्मों और वेब सीरीज कुछ और भी देखने मिलेगा सर हमारे पास जो है ना, फिल्म और वेब सीरीज, वेब मूवी और वीडियो सॉन्ग सब कुछ देखने। जी हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं संगीतकार दिलीप सेन, और मुझे आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत दिनों बाद यानी कोरोना के बाद में बहुत ही प्यारा सा एक चैनल शुरू हुआ है जिसका नाम है मल्टीप्लेक्स प्ले। यह एक ऐसी ओटीटी प्लेटफॉर्म है ये कि जिसमें बहुत ही कम रेट में, बहुत ही सरल रेट में, या बहुत ही कंफर्टेबल जोन के हिसाब से जो भी अपना वीडियो या गाने या जो भी है उस हिसाब से, डिटेल में तो आपको सर बताएंगे, पर मैं इतना जानता हूँ कि जिस हिसाब से मैं आया और इनकी जो तैयारियाँ देखी, मुझे लगता है कि आने वाले कल में इसका एक अपनी अलग पहचान होगी, और जितने भी अभी ओटीटी प्ले चल रहे हैं उनमें ये हट के रहेगा और इसका एक अलग ही वजूद रहेगा। तो मेरी तरफ से मल्टीप्लेक्स प्ले को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनके जो ओनर हैं, जो पार्टनर हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, बस ये सक्सेस हो और दुनिया में नाम रोशन करे। देखा गया दिलीप जी के हाथों से जो भी ओपनिंग होती है वो सक्सेसफुल ही होती है, क्या कहना चाहिए? जी भोले का नाम है और मैं एक बात बता दूं कि आज इतना बड़ा दिन है, हनुमान जी की जयंती है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए गाना ही गा देता हूँ, क्योंकि अभी तक वो दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम है, चंद लोगों को मालूम होगा, वो शायद अभी है नहीं, उनमें से मैं एक बचा हुआ हूँ, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने शिव तांडव सुना हुआ है, जैसे जटा कटा है समर में भरवन नलिम पनिरी विराजमान, वैसे आज मैं हनुमान जयंती पे आपको हनुमान तांडव सुनाता हूँ। हनुमंत की लपेट दल घुर की झपेट दल दुष्ट को दपेट चरपेट चाकर नंद बजे नक चरा चत तत कटा कट गिरे सैन फटा फटे पटी पटी जाता कपी कुह के लकार खिल जूह जिल लकार पड़ी भेड़ भी लकार कटे रख सरी ना तेज को कुमार करी को बेसमा वीर लखन कुमार झुकी जारी के रवान।
तो जय श्री राम, जय श्री राम। और आज बहुत ही पावन दिन है और उसी पावन दिन की आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और ईश्वर अल्लाह भगवान आपको बहुत बहुत कामयाब करें। सर क्या कहना चाहेंगे? मल्टीप्लेक्स प्ले जो एक प्लेटफॉर्म है, आज हम देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत तरीके के OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन उसके अंदर जो पुराने हो चुके हैं जो हैं उन लोगों के लिए जगह है। ये कैसा प्लेटफॉर्म NKFC प्राइवेट लिमिटेड ने ले आया है जिससे आपको कम से कम रेट में आपको अपने वीडियोज़ बनाने, जिस तरीके से पहले टिकटॉक हुआ करता था, आज यूट्यूब पे बनाते हैं, उस तरीके से आपको अच्छी प्लेटफॉर्म मिलेगी जहाँ पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे लोगों के सामने। दिलीप जी आए हैं, दिलीप जी के हाथों से ओपनिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज दिलीप साहब हमारे साथ में और यहाँ की इनॉग्रेशन की है, इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और आज हनुमान जयंती है, उसी के अवसर पर आपका ये मल्टीप्लेक्स लॉन्च हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बस की हनुमान जी की कृपा है कि हम लोगों को आगे बढ़ाएं और इसे सक्सेस करें। और क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बस ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, आप लोगों के माध्यम से मैं यही लोगों से अपील करता हूं। कैसे जुड़ने का माध्यम क्या है, क्या सिस्टम क्या है इसका? इस प्लेटफॉर्म पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको खुद ही पूरा प्रोसीजर मालूम पड़ जाएगा, सिर्फ 10 से 15 रुपए की लागत में आप इस पे मेंबरशिप कर सकते हैं। दूसरे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग अभी तक दूसरों के गैरों के चीज़ें यूज़ करते थे, जैसे टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये हमारे हिंदुस्तान का अपना चैनल हुआ टिकटॉक की तरह। तो मैं समझता हूँ मल्टीप्लेक्स प्ले जो है ये हमारा अपना खुद का हिंदुस्तानी चैनल है और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो लोग भी मिलेंगे तो उनको एक अपनापन मिलेगा और हम जैसे कई कलाकार उनके साथ रहेंगे, चाहे संगीत का हो या एक्टिंग का हो या जो भी हो, बाकी सर हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और हम लोगों से जल्दी कॉन्टेक्ट करें। ओके सर। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश यादव है और मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग हेड करके जुड़ा हूँ यहाँ से। तो आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए क्योंकि आज तक उम्र के 25 साल इंडस्ट्री में मैंने गुजारे हैं और एक अच्छे टीम के साथ में काम करने को आज मुझे मौका मिल रहा है इस मल्टीप्लेक्स प्ले चैनल की तरफ से। यहाँ की जो निवड प्रक्रिया है वो बहुत ही मुझे सरल लगती है और मैं लोगों को भी यही आह्वान कर रहा हूँ कि भाई आप यहाँ पे जुड़े या क्योंकि बहुत आसान है, यहाँ पे अच्छी कंसेप्ट हो, आपके पास अच्छा प्रोड्यूसर हो, अच्छी टीम है आपके पास, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और अपना प्रोग्राम जो है यहाँ पे आसानी से टेलीकास्ट कर सकते हैं। यहाँ के पेमेंट टर्म्स वगैरह बहुत आसान है आपको काम करने के लिए। यहाँ पे मेरे साथ में जुड़ने वाले और भी जुड़े हुए और भी लोग हैं, यहाँ पे दीपंकर जी है, ये भी जाने माने डायरेक्टर है, हम लोगों ने साथ में काम कर चुके हैं। यहाँ पे उदय जी है, ये भी डायरेक्टर हैं, तो मतलब सब सुलझे हुए लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो CMD है रेहान जी, वो भी तारीफ़ काबिल है क्योंकि उनका विजन बहुत बड़ा है और टेक्निकली उन्होंने इस चैनल को बहुत अच्छी तरह से संवारा है ताकि इसका जो रेजोल्यूशन अभी हम लोग देख रहे हैं 2K 4K तक यहाँ पर उसकी रेंज जारी है। अगर आपका मोबाइल अच्छा है तो उसके ऊपर ये पूरा क्वालिटी हम लोग देख सकते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो है वो भी कंपनी ने बहुत ही कम दाम में रखा है ताकि आम आदमी इसको देख सकता है, एंजॉय कर सकता है। धन्यवाद जी सर। मेरा नाम दीपांकर अधिकारी है, मैं चैनल में एज ए प्रोग्रामिंग हेड जुड़ा हूँ। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा रिहान अली जी का। रिहान अली जी ने जो एक कदम उठाया है इस मनोरंजन की दुनिया में वो तारीफ काबिल है। उन्होंने जो विज़न रखा है हम उस विज़न को सक्सेस करने के लिए उनके साथ जुड़े हैं। और जैसा कि अभी मेरे दोस्त अविनाश ने बताया कि 25 साल मैंने भी इंडस्ट्री को दिए, इन्होंने भी दिए हैं और उदय जी ने भी दिए हैं। हमने जो पूरी इंडस्ट्री को एक रिसर्च किया है उसमें जो मुश्किलें प्रोड्यूसर्स को आती हैं, न्यू डायरेक्टर्स को आती हैं, वो सारी खामियां हमने इस चैनल के माध्यम से दूर करने की कोशिश की है। और आज ही हमने एक अप्रूवल भी दिया है एक प्रोडक्शन हाउस को और उम्मीद करते हैं कि चैनल का जो ख्वाब हमने देखा है हम उस ख्वाब मतलब ख्वाब को सक्सेस कर सकें, चैनल को ऊंचाइयों तक पहुँचा सकें। धन्यवाद जी सर। नमस्कार, माझं नाव उदय मोहिते, मी मल्टीप्लेक्समध्ये ॲज अ प्रोग्रामिंग हेड काम करतो आहे। मल्टीप्लेक्स प्ले हे असं एक चॅनेल आहे जे मराठीमध्ये पण तेवढाच सहभाग देणार आहे जेवढं इतर लँग्वेज आहेत।
आणि आम्ही ऑल ओवर इंडियामध्ये मराठीला पण पुढे नेणार आहोत आणि सगळ्या भाषांना आम्ही प्राधान्य देणार आहोत. मल्टिप्लेक्स प्ले हे असं एक चॅनेल आहे जे नवीन कलाकार, रायटर, डिरेक्टर ह्यांना अशी संधी देणार आहे की त्यांना त्यांचं काम जगासमोर आणण्याची वाव मिळेल असं. ओके, थँक्यू सर. मल्टिप्लेक्स प्ले जो लॉन्च हुआ आज. हाँ, मल्टीप्लेक्स प्ले आज OTT प्लेटफॉर्म जो लॉन्च हुआ है उनके लिए पहले तो पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी मैं कि मार्केट में एक और अच्छे लेवल का OTT प्लेटफॉर्म शुरू होने जा रहा है और मैं आशा करती हूँ कि वो भी एक जो बड़े OTT प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म की टक्कर में आए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आए और हर एक पब्लिक मतलब ना एक एक पब्लिक के पास लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़े इस प्लेटफॉर्म पर. थैंक यू. सर क्या कहना चाहेंगे आज मल्टीप्लेक्स OTT प्लेटफॉर्म स्पेशल भोजपुरी के लिए लॉन्च हुआ क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं आमोल द्विवेदी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ऐसा सोचा भोजपुरी के लिए और बहुत बड़ा कदम है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए. हमारे भोजपुरी में मोस्टली जितने प्रोड्यूसर हैं वो एक भी प्रोड्यूसर ऐसा नहीं है जो कमाता हो, हाँ दो चार छोड़ के. हम भी 20 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी प्रोड्यूसरों के लिए कि उनकी फिल्में यहाँ पे लिए जाएगी, अच्छे रेट में लिया जाएगा, हाँ जो हमारी मन बात बात हुई है. तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. आने वाले समय में हमें लगता है कि इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म भोजपुरी के लिए होगा ही नहीं. आज सेटेलाइट हम पिक्चर बना लेते हैं, सेटेलाइट बेचने के लिए हमको दर दर ठोकर खाना पड़ता है, सही रेट नहीं मिलता. जो हर प्रोड्यूसर हर फिल्म में 10 से 15 लाख रुपये टूट के ही बेच रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये. तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि इतनी अच्छी सोच लेके ये लोग आए हैं. माता रानी करें ये लोग बहुत आगे बढ़े, काम करें और एक नाम करें भोजपुरी इंडस्ट्री को, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है. सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो रिहान जी का जो प्लान है अभी जो बनाया उन्होंने उनके लिए मेरा अभिनंदन भी है और उनका बेस्ट विशेष कर देता हूँ क्योंकि आज ये चीज़ जो बनाया उसने ये रीचेबल कम से कम ऑल भोजपुरी जितना भी देखने वाला लोग है आज उनको वो ऐप निकाल के मतलब देख सकते हैं. वो थिएटर में जाके नहीं होता है तो भी एक अलग इंडस्ट्री हो गया कि ये OTT प्लेटफॉर्म जैसा आ गया है तो सब जगह लोगों को देखने को मिल गया है. आज हमारा इंडिया में भी नहीं है, बाहर का देश को भी लोगों ऑनलाइन में ये देख सकते हैं और इमिडिएटली देख सकते हैं कि इंडिया में रिलीज होने के बाद बहुत टाइम के बाद वेट करने का भाई ज़रूरत नहीं है. आज तो एक सबको ये अच्छा हो गया कि सभी जितना भी प्रोड्यूसर लोगों को भी ढूंढने का ज़रूरत नहीं कि अपना रिकवरी भी फास्ट हो जाएगा और आगे भी वो बढ़ सकता है और लोगों का भी एक अच्छा तरीका से सब लोगों को ऑनलाइन मतलब इमीडिएटली देख सकते हैं ये चीज़. तो सो रिहान जी का ये प्लान जो है वो बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा हो जाएगा. ये मेरा उनके लिए ऑल बेस्ट विशेस भी है तो अच्छा हो जाएगा ये मेरा चीज़ है. थैंक यू सर. सर क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली माई सेल्फ विनय राजपूत और मैं एक्टर हूँ और मेरे जैसे नए एक्टर के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म पे आना बहुत बड़ी बात है और जो मेरे बड़े भैया हैं पिंटू सर इनके थ्रू ही मैं इस मंच पे आ पाया हूँ तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है यहाँ पे आना और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये. और पिंटू सर एक आखिरी सवाल आपसे, आप बोल रहे थे मेरी मनोकामना ही पूरी हुई. हाँ और मेरे मन में था कहीं ना कहीं ऐसा भोजपुरी, क्या कहना चाह रहे थे आप? वाकई में मैं बहुत काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि भोजपुरी हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, साउथ से बड़ी है लेकिन हम हमारी बहुत बड़ी विडम्बना है, हाँ काफ़ी कमियां हमारे भोजपुरी में. हमारे भोजपुरी के स्टार ट्रेंडिंग चलते हैं, हाँ जो कि हिंदी के स्टार जितने फॉलो किए तो ज़्यादा भोजपुरी फॉलो किए जाते हैं लेकिन हमारे यहाँ प्रोड्यूसर पैसा नहीं कमा पाता. सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पिक्चर बनाते हैं जैसे हमारे जैसे प्रोड्यूसर फिल्म बना के मर जाते हैं. हम लोग तो चलो ठीक है बैकग्राउंड अच्छा है आदमी टिका हुआ है लेकिन जो नए लोग आते हैं उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं. तो ये जो OTT खुला हुआ है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हाँ क्योंकि मेरी अभी बात ही हुई कि हर प्रोड्यूसर यहाँ पे जिंदा होकर जाएगा ये गारंटी है कि कोई प्रोड्यूसर यहाँ मरेगा नहीं. उसका सेटेलाइट यहाँ पे लेने का ये लोग प्लान किए हैं तो सेटेलाइट लेंगे तो प्रोड्यूसर जिंदा रहेगा. मैं बोलता हूँ अगर एक प्रोड्यूसर 5 लाख रुपये हर फिल्म मिलेगा तो ये प्रोड्यूसर फिर दूसरी फिल्म बनाएगा.
यहाँ होता क्या है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में पिक्चर बना लेते हैं, पिक्चर तो डेली बन रही है, हमारी भोजपुरी में तो इतनी पिक्चर बन रही है आप कल्पना नहीं कर सकते। यूपी में समय हर समय 10-20 शूटिंग चलती रहती है भोजपुरी की, लेकिन रिजल्ट क्या होता है पिक्चर बनाने के बाद कोई नहीं मिलता उनसे। जितने भी मार्केट में बड़े बड़े कंपनी बैठी है कोई उनको फॉलो नहीं करता, कोई कुछ पूछता नहीं, उनकी पिक्चरें कोई नहीं लेता, वो कचरे डब्बे में जाती हैं। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म जो OTT खुला हुआ है ये बहुत बड़ी बात है, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, इतनी अच्छी चीज़ हुई है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कोई ऐसा काम शुरू करे और मैं कोशिश में था, अब आज ये शुरू हो गया है तो बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे इंडस्ट्री में इतनी फिल्में हैं। मैं नाम गिना शुरू करूँगा, बड़े बड़े स्टारों पीछे कितने में जाती है सबको पता है मार्केट में, लेकिन यहाँ पे जो रेट मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा, उससे प्रोड्यूसर खड़ा हो जाएगा, मुझको भरोसा है। ओके सर, थैंक यू। भोजपुरी के जो डायरेक्टर ज़्यादातर वो बोलते हैं एक साउथ का कैमरा मैन ले लो, एक साउथ का जो है फाइट मास्टर ले लो, और साउथ की स्टोरी उठा के दो आइटम रख लो और जो आइटम रख लो पिक्चर ही, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये जरूरी नहीं है, साउथ भी इंडस्ट्री है, भोजपुरी भी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग, ऐसा नहीं बोलता भोजपुरी इंडस्ट्री में टैलेंट कमी है। आज हमारे यूपी बिहार के लोग दुनिया के हर कोने में मिलेंगे आपको, बहुत टैलेंट है हमारे यूपी बिहार के हिंदी इंडस्ट्री में, टॉप मोस्ट बैठे हुए हैं जितने भी सुपर स्टार हुए, टेक्नीशियन हुए, डायरेक्टर हुए, सब अगर आप निकालेंगे तो मोस्टली सब यूपी बिहार से ही हैं, आर्टिस्ट हुए, हमारे यहाँ टैलेंट कमी नहीं है। ये तो हमको क्या होता है कि कुछ लोग हैं जिनकी मानसिकता होती है हम इनको ले लेंगे हिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे जो आप पैसा आप साउथ में हम दे रहे हैं वही पैसा अगर हम अपने भोजपुरी टेक्नीशियन को दें तो उससे अच्छा काम करके देंगे, मैं वादा करता हूँ, मेरे पास है टीम। बहुत से लोग हैं जो अभी भी काम तो करा लेते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में और पैकेज डिटेलिंग करते हैं, बाद में उनको पेमेंट के लिए टेक्नीशियन को दौड़ाते रहते हैं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी विडम्बना है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की, और उसका कारण क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है जब प्रोड्यूसर डूब जाता है, उसको जो लोग फिल्में आते हैं बनाते हैं उनको बहुत बड़ा लालीपाप दिखाया जाता है इंडस्ट्री में हमारे की, हाँ भैया इतने बनाओगे इतने बिकेगी, और जब पैसा नहीं मिलता वो कितने तकलीफ से, जो भी अमाउंट आज कोई पिक्चर बनाने जाएंगे तो गिरी हुई अच्छी, मतलब बहुत लो रेट पिक्चर बनाएंगे तो भी 30-35 लाख रुपये खर्चा होता है। तो अगर आदमी 30-35 खर्चा किया है उसको 20 लाख रुपये आया हुआ है, 15 लाख रुपये उसका पहले से माइनस है, तो उस समय उनके हाथ ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो टेक्नीशियन उनकी बात करें जो पैसे का, उनको देना चाहिए हक का पैसा, किसी नहीं रोकना चाहिए, ये विडम्बना है। लेकिन अब जो कि ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है मुझको लगता है कि ये विडम्बना भी, ये समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब पेमेंट मिलेगा 100% तो यहाँ से पैसा रिलीज होगा तो उनको पैसा मिलेगा, ये भरोसा मुझको हो गया है कि भी इंडस्ट्री हमारी बहुत आगे जाने वाली है भोजपुरी इस प्लेटफॉर्म से। इस समय गोरखपुर में सबसे बड़ा जो है शूटिंग स्पॉट है गोरखपुर के आसपास, वहाँ पे 75% भोजपुरी पिक्चरें शूट हो रही हैं जी, लेकिन रिलीज नहीं हो रही। कारण वहाँ पे फर्स्ट कारण हमने देखा है कि वहाँ के टेक्नीशियन जो है सिर्फ चमचागिरी करते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे डायरेक्टर मेरे बगल में भी रख के आके सीख के डायरेक्शन में खड़े हो गए। देखिए भोजपुरी विडम्बना क्या है कि यहाँ डायरेक्टर या एक्टर हैं गिने चुने ही है, होता क्या जो फाइनेंशियल लेके आ गया तो उसको ABCD नहीं आ रहा है तो वो डायरेक्टर बन जाता है, हैं ये सब विडम्बना है भोजपुरी की। लेकिन अगर ऐसे प्लेटफॉर्म जब मार्केट में जो आया हुआ है ये OTT ऐसे आएंगे तो अच्छी चीज़ें बनेगी, अच्छे डायरेक्टर आएंगे, उनका भी हौसला बढ़ेगा डायरेक्टरों का कि हम अच्छी चीज़ बनाएंगे तो हमको ये रेट मिलेगा मार्केट में, हैं तो अब अच्छा होने का चांस उसको दिख रहा है। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ कुछ अच्छा हो, क्योंकि हमारी यूपी बिहार इतने बड़े लेवल पे है, आज साउथ हमसे बड़ा नहीं है, अगर साउथ की हम बात करते हैं वहाँ हज़ार 500 करोड़ पीछे बन रही है और रिकवरी हो रही है, हाँ यूपी बिहार से ज़्यादा पब्लिक वहाँ पे नहीं है, लेकिन हम 1-1.5 करोड़ रुपये लगा के नहीं उसका पैसा निकाल पा रहे हैं और वहाँ पे 1000-1000 करोड़ रुपये बिजनेस कर रहे हैं वो लोग। तो ये तो पहले साउथ का हालत भी हमारे से अच्छी नहीं थी, जो भोजपुरी हालत थी वही साउथ की हालत थी, लेकिन आज उन्होंने कहाँ से कहाँ अपना था मौका पहुँचाया है, उसके कारण उनका मेहनत है, लगन है, और उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं कि हमारी हिंदी इंडस्ट्री भी उनको फॉलो कर रही है, उनकी नकल कर रही है। तो आने वाले समय में जब ऐसे प्लेटफॉर्म चालू हो रहे हैं तो हम भी मेहनत करेंगे कि हाँ अच्छा बनाएं, क्योंकि हमारी रिकवरी गारंटी हो रही है, यहाँ पे हमारे पैसों की गारंटी यहाँ मिल रही है इस प्लेटफॉर्म पे, तो हम अच्छी चीज़ करना चाहेंगे, अच्छी चीज़ कर सकते हैं भोजपुरी के लोग। अभी आपका अभय सिन्हा जीत के आए हैं जी। तो आपके लिए तो हाँ अभय भैया इम्पैक्ट चुनाव जीते हैं और हमारी पूरी भोजपुरी टीम जीती हुई है, अशोक पंडित हमारे बड़े भाई हैं वो जीते हुए हैं, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से ही होके आज हम इम्पा के
इम्पा को जैसे अपने हाथ ले लिए हैं, ये बड़ी गर्व की बात, हमारे भोजपुरी की बहुत गर्व की बात है। और भोजपुरी बहुत आगे जाने वाली है, जब ऐसे ऐसे भाई आप प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है, तो हमारे भोजपुरी की बहुत अच्छी बात है। ओके सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आज मल्टीप्लेक्स प्ले का ओपनिंग हुआ, लॉन्च हुआ है, ये बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले हमारे भोजपुरी दर्शक लोग के अविनाश सर के प्रणाम बा, और आज NKFC का ऑफिस का ओपनिंग हुआ है और बहुत ही खुशखबरी है हमारे लिए और हमारे भोजपुरी के जितने इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं सबके लिए है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में एक हर दिन एक नई कंपनी की ओपनिंग हो रही है और अच्छी कंपनियाँ आ रही हैं जो हमारे भोजपुरी की जितनी भी फिल्में हैं या वेब सीरीज़ है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको खरीदने के लिए, ये हमारे सौभाग्य की बात है। नमस्कार भोजपुरी दर्शकों को, भोजपुरी फिल्में बनती है, लोगों में जाती है, अच्छा अच्छा क्रिएट करें और ये मल्टीप्लेक्स जो सिनेमा है इसमें आ रही है, लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी इन फ्यूचर आगे एक पिक्चर में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ जिससे इसको प्रमोशन मिले, अच्छा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जी। मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम जैद अहमद ख़ान है और मल्टीप्लेक्स की पहली फिल्म शायद टेस्टिंग में जो पड़ी है डेंजरस रेड, उसका मैं पार्ट हूँ, पहले लीड किया है। बहुत खुशी हुई। सबसे पहली बात यह है कि एक ऐसा चैनल, ऐसा OTT प्लेटफॉर्म जो सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भोजपुरी सिनेमा डाउन हो रहा है, रीजनल सिनेमा डाउन हो रहा है, उसके लिए सपोर्ट के लिए मल्टीप्लेक्स आया, बहुत बड़ी बात है। और खुशी की बात है कि छोटे छोटे जो मेकर हैं और बोल्ड की तरफ भटक रहे थे, तो इससे क्या अच्छा सिनेमा, सोसाइटी का एक आईना है सिनेमा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा मल्टीप्लेक्स के ज़रिए। बधाई हो रेहान अली साहब कि उन्होंने रीजनल प्लेटफॉर्म, रीजनल फिल्मों को एक प्लेटफॉर्म दिया है और वो चाहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंट, सबको पैसा मिले, प्रोड्यूसर वन टाइम फीस मिले, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ लोगों को नहीं मिलता, वो बोलते जो उनका इन्वेस्टमेंट है प्लस प्रॉफिट वो लेके जाए 3 इंस्टॉलमेंट में, आई थिंक दैट इज़ अ गुड साइन। आई एम फ्रॉम मीडिया एंड दीज आर माई मीडिया फ्रेंड्स, आई एम अशोक इंजीनियर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू रेहान अली साहब फॉर हिज एंडेवर। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.